और हेलो फ्रेंड्स, आज बाजार फिर से मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और जो दूसरा एक इवेंट था इलेक्शंस को लेकर, उसके भी कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, और वो भी बीजेपी के फेवर में आ रहे हैं, तो उसका बाजार के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसे बाजार के ऊपर भसीन जी का क्या व्यू है, बाजार को कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और कौन से टॉपिक से जहाँ पर बड़ा पैसा बन सकता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जो कि भसीन जी ने बोला है कि इंडेक्स के ऊपर अभी थोड़ा व्यू देना मुश्किल है, जो कि अभी भी एक इवेंट पेंडिंग है 13-14 दिसंबर को, जो अमेरिका से यूएस फेड के किस तरह से बयान निकल के आता है उसके ऊपर बाजार की नजर रहने वाली है। तो बाजार में थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है, या तो फिर थोड़ा बहुत तेजी का माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन एक इवेंट बहुत ही बड़ा इवेंट है अमेरिका का और फेड का, तो वो एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद इंडेक्स के ऊपर भसीन जी का व्यू क्लियर आएगा कि आगे की क्या चाल इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल इंडेक्स को छोड़े और स्टॉक्स में ही पैसा बन सकता है, वैसा भसीन जी का मानना है। जो कि अपडेट्स की अगर मैं बात करो तो जीएमआर इंफ्रा के ऊपर भसीन जी की खरीदारी की राय रही थी 35, 36, 38 पे, और 43 अभी बिक गया। तो भसीन जी का मानना है कि 50 रुपये तक का मोमेंटम जीएमआर इंफ्रा दिखा सकता है यहाँ से। और दूसरा जो अपडेट था कि बैंक निफ्टी बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है, तो कल इंडसइंड बैंक भसीन जी ने खरीदारी करवाई थी, और इंडसइंड बैंक आज बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में मदरसूमी, जो कि मदरसूमी के ऊपर अभी भी भसीन जी का व्यू बुलिश है, उसको लगता है कि चाइना वन और यूरोप वन से के चलते यहाँ पे मदरसूमी को एक बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है, और जो एक ब्लॉक डील थी वो भी क्लियर हो चुकी है। तो भसीन जी को मानना है कि 80-82 रुपये तक का पहला टारगेट और 100 रुपये तक के टारगेट आपको नेक्स्ट 3 मंथ में ही मदरसूमी में देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस 70 का के आप यहां पे पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। टॉपिक्स की मैं बात करूं तो एबीबी के ऊपर भसीन जी की खरीददारी की राय है, टारगेट 3200 का है और स्टॉप लॉस 2900 के आसपास आपको रखना है। और साथ में टाटा मोटर्स के ऊपर भसीन जी का व्यू बुलिश नज़र आ रहा है, 420 के आसपास खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस 414 का, और टारगेट यहाँ पे 435 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं टाटा मोटर्स में। तो ये 3 टॉपिक्स थे जो कि भसीन जी की रडार पे थे, तो आपकी नज़र इन टॉक्स के ऊपर होनी चाहिए।